दे से नोबडी कैन डिफीट अर्जुन। क्या चीज देखी द्रोणाचार्य जी ने कि उसका अंगूठा मांगा? जब ये देखा कि ना कुत्ते के मुंह में इतने सारे तीर भोंक दिए जिसने, जब कुत्ता भोंक रहा था ना तो चुछ 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 चुछ। इतने सारे तीर चला के उसका मुंह भर दिया, तो ये पता लग गया कि तीर तो बढ़िया चलाता है ये, लेकिन एक बेजुबान जानवर के साथ जो ये कर सकता है, यानी कि उसकी भावना ठीक नहीं है। इसलिए द्रोणाचार्य जी ने एक लड़के से बोला, भाई तुमने इतना कुछ सीखा है मेरी मूर्ति को लगा करके, लेकिन तुमने मेरे से भावनाएं नहीं सीखी, सिर्फ तीरंदाजी सीखी लेकिन भावनाएं नहीं सीखी, नहीं तो तुम ऐसे एक बेजुबान जानवर के मुंह में तीर नहीं भोंकते। यानी एक लड़के के पास तीर चलाने की कला थी, नहीं उस और कला के पीछे मेहनत भी थी, इतनी मेहनत के पीछे लेकिन भावना अच्छी नहीं थी। तो इसे एक लव्य का जो एग्जाम्पल है, पॉजिटिव एग्जाम्पल नहीं है, मैंने देखा एक लव्य इंस्टीट्यूट के लोग रख लेते हैं, पर एक्चुअली एक लव्य इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल। एक लव्य ने मेहनत की लेकिन भावना अच्छी नहीं रखी कि बेजुबान जानवर के मुंह में तीर भोंकते खूब सारे, ये देख करके द्रोणाचार्य ने अपना अंगूठा दे दे, क्योंकि तेरी ना भावना अच्छी नहीं है। तो भावना का अच्छा होना जरूरी है। किसी माता जी का नाम हो सकता भावना, लेकिन सिर्फ नाम भावना होने से भरा नहीं पड़ता, साथ में भावना भी अच्छी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो इसलिए ई फॉर एफर्ट मैनेजमेंट, एफर्ट्स को मैनेज करना आना चाहिए। यूजली हम कोई चीज हम पाना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम सफलता प्राप्त कर सकें? क्या करना चाहिए हमें जिसकी सफलता प्राप्त कर सके? स्टेप वन, जो आपको पाना है वो पता होना चाहिए कि मुझे क्या पाना है, ठीक है। दूसरा स्टेप, स्टेप टू है दैट देयर शुड बी डिस्टर्बिंग रिमाइंडर्स। रिमाइंडर कैसे होने चाहिए? डिस्टर्बिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल